Hello students, so today we will discuss one of the JEE question. JEE 2020 मतलब जनवरी वाले सेशन में पूछा गया था क्वेश्चन, तो डिस्कस करते हैं. चलो तो क्वेश्चन बोलता है, गिवन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ सी यू टू प्लस टू सी यू एंड सी यू प्लस टू सी यू आर 0.34 एंड 0.522 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द ई नॉट ऑफ सी यू टू प्लस टू सी यू इज. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया. मतलब सी यू टू प्लस से सी यू का ई नॉट दे रहा है आपको 0.34 और सी यू प्लस से सी यू का दे रहा है आपको 0.522. आपको सी यू टू प्लस से सी यू प्लस का निकालना है कितना होगा. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल एक फॉर्मूले में बेस्ड है, केवल एक फॉर्मूले में. ठीक है, पर एक चीज़ का और खास ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, यहाँ 80-90% बच्चे बहुत गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में. वो क्या गलती करते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ आगे. ठीक है, बहुत ध्यान रखना है, बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, क्यों करते हैं वो भी बताऊँगा. तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शंस इस क्वेश्चन रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. तो रिएक्शंस लिखता हूँ सबसे पहले मैं. तो रिएक्शंस के लिए सबसे पहले मैं पहली वाली रिएक्शन सी यू टू प्लस से सी यू लिख देता हूँ. तो सी यू टू प्लस से क्या बन गया आपका, सी यू बन गया. अब इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा. बैलेंस के लिए देखो यहाँ पर जीरो कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो है. यहाँ पर कितना चार्ज है, टू प्लस चार्ज है, तो टू प्लस है यहाँ पर जीरो है. तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, है ना, ताकि टू माइनस और ये टू प्लस कितना हो जाए, जीरो हो जाए. और यहाँ पर नेट जीरो हो गया और यहाँ तो जीरो था ही. आई बात समझ में. सिमिलरली इसका क्या लिख देता हूँ मैं, इसके आगे इसका लिख देता हूँ मैं ई नॉट से. तो ई नॉट कितना है इसका, ई नॉट लिख दिया मैंने इसका 0.34. ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरी रिएक्शन भी लिख देता हूँ. दूसरी रिएक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, सी यू से जा रही है आपकी, सी यू प्लस से जा रही है सी यू. इस वाली के लिए सेकेंड रिएक्शन लिख दी. तो और यहाँ पर भी चार बैलेंस करूँगा, तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा. और इसके लिए भी इसके सामने इसका ई नॉट लिख देता हूँ मैं, दैट इज 0.522 वोल्ट. ठीक है, तो इसको मैंने ई नॉट वन बोल दिया, इसको मैंने ई नॉट टू बोल दिया. अब इन सिमिलर पैटर्न जो मुझे रिएक्शन निकालनी है एक्चुअल में, जिसका ईएमएफ निकालना है, उसकी रिएक्शन लिख देता हूँ. उसकी रिएक्शन क्या होगी, सी यू टू प्लस से सी यू प्लस. और सिमिलर वे में यहाँ पर प्लस वन चार्ज है, यहाँ पर प्लस टू चार्ज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दूंगा. और जो इसका ईएमएफ वो है वही तो हमें निकालना है, तो ई थ्री नॉट निकालना है, तो उसको मैंने क्वेश्चन मार्क मार दिया. ठीक है, और एक यही मेन रिएक्शन हमारे लिए, तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. अब सवाल यह है कि इन दो रिएक्शन का यूज़ करके मुझे ये वाली रिएक्शन निकालनी है, ये वाली रिएक्शन निकालनी है, कैसे निकालेंगे. तो आपने मैच में सिंपल सुना होगा कि दो रिएक्शंस का यूज़ करके तीसरी रिएक्शन कैसे निकालते हैं. सिंपल एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, या दो से मल्टीप्लाई करते हैं, तीन से मल्टीप्लाई करते हैं, या रिवर्स करते हैं रिएक्शन को. सिंपल वही पैटर्न को हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ये रिएक्शन निकालने के लिए, सबसे पहले फर्स्ट वाली रिएक्शन को मैं एज इट इज पुट कर दे रहा हूँ. एज इट इज पुट कर दी, मतलब सी यू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव सी यू. एंड सेकेंड वाली रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ. रिवर्स का मतलब समझते हो ना, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड आ जाएगा. देखो तो रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके क्या बन गई, सी यू प्लस सी यू से ये इलेक्ट्रॉन हो गया. बस अब इन दोनों रिएक्शंस को मैं क्या कर देता हूँ, अगर ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करूँगा तो सी यू राइट साइड था या सी यू लेफ्ट साइड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये कट गया. तो बचा क्या क्या, सी यू टू प्लस प्लस ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, एक कट चुका है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये वाला सी यू, ये रिएक्शन बच गया, मतलब ये रिएक्शन रह गई. तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो जरा देखो, यही वो रिएक्शन है जो हमें लानी थी, ये रिएक्शन हमें लानी थी ना. तो ये रिएक्शन कैसे आई, ये रिएक्शन कैसे आई, जब मैंने इसको और इसको, इन दो रिएक्शंस को जब मैंने ऐड करा तो ये रिएक्शन आ गई. तो इस रिएक्शन का ईएमएफ कैसे निकालते हैं बच्चे सिंपल वही करते हैं. ई नॉट थ्री कैसे आया, ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू, मतलब इन दोनों को ऐड करके तो आया, तो कर दिया. और E नॉट वन की वैल्यू कितनी है, 0.34. और E नॉट टू की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 0.522 नहीं होगी, -0.522 होगी. समझ आ रही बात, क्योंकि रिवर्स करिए रिएक्शन. तो E नॉट वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 0.34, और E नॉट टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए -0.522. ये बात समझ आई माइनस क्यों आया, क्योंकि रिवर्स करी हुई है रिएक्शन, रिवर्स करी हुई है. तो अगर इसका 0.522 है जो हमारी मेन रिएक्शन है, रिवर्स करके आ रही है, तो रिवर्स करके -0.52 हो जाएगा. इसको सॉल्व करा तो सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आएगा, -0.182. तो ऐसा ऑप्शन हमें दिख ही रहा है. तो अब यहाँ पर 80-90% बच्चे क्या करते हैं, इसी ऑप्शन में टिक मार के आ जाएंगे, जो कि हो जाएगा गलत. आई बात समझ में. अब सवाल ऐसा गलत क्यों हुआ,
तो गलत होने का सीधा सीधा सा आंसर है क्योंकि जो इनॉट होता है ये आपकी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? अब तुम्हारा सवाल ये रहेगा सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसके लिए मैं चार्ट बना रहा हूँ। तो हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं विच डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में डिपेंड नहीं करती हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी लेता हूँ मैं, सपोज एक बीकर है आपके पास, उसमें तुम्हारा 2 लीटर पानी है, चाहे 5 लीटर पानी हो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा ना। तो देखो अमाउंट भी डिपेंड नहीं करे, चाहे अमाउंट 2 लीटर हो चाहे अमाउंट 5 लीटर हो, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। दैट्स व्हाई इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? सिमिलरली एक बीकर यहाँ लेते हैं बड़ा, अगर मैं पानी इतना रखूँ तो मैं बोलूँगा चलो ये 2 लीटर का 2 लीटर है इतना, ठीक है। अगर मैं इतना पानी भरूं तो मैं बोलूंगा भाई ये 5 लीटर है। तो देखो अगर अमाउंट चेंज हो रहा है, अगर अमाउंट इतना है तो मैं बोल रहा हूँ ये 2 लीटर है, और अगर अमाउंट इतना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ 5 लीटर है। मतलब अमाउंट बदलने से वॉल्यूम बदल रहा है, तो इसलिए वॉल्यूम क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्लियर। अब एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है नॉन एडिटिव, ये थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों ने, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एडिटिव, ठीक है। तो बस यही रीज़न था क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और ई नॉट जानते हैं हम, ई नॉट क्या है हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन एडिटिव होती है। तो नॉन एडिटिव होती है तो भाई ऐड कैसे करोगे, ऐड नहीं कर सकते ना, तो दैट्स वाई ये गलत हो गया, ठीक है। अब सवाल है क्या करेंगे, तो सिंपल से एक फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, डेल्टा जी नॉट का। डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट से। डेल्टा जी नॉट इज द गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेस, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम्स, एंड ई नॉट सेल तो आप लोग जानते हो ई एम एफ सेल, ठीक है। और जो डेल्टा जी नॉट होती है ये होती है हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, समझ आ रही है बात। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने के कारण हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बस अब इसका यूज करेंगे, और जो हमारे पास रिएक्शंस थी उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले को। पहले मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। ये मैंने चीज़ें मिटा दी ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो चलो फर्स्ट इस फॉर्मूले को मैं इन दोनों रिएक्शंस में पुट करता हूँ। फर्स्ट में अगर मैं पुट करता हूँ तो n कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए कितने हैं 2, तो n की वैल्यू इसके लिए 2 हो जाएगी, और ई नॉट सेल के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.34 जो ये बनी थी। तो इसके लिए पुट करता हूँ डेल्टा जी नॉट कितना हो गया -2f(2f)(0.34), जिसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा -0.68f आ गया। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए कर देता हूँ, सेकंड वाले के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और e नॉट की वैल्यू क्या होगी 0.522 नहीं होगी क्योंकि रिवर्स करके लिखी हुई, तो क्या होगी -0.522, रिवर्स वाली है ना ये, हाँ तो ठीक है। तो g नॉट 2 की वैल्यू क्या होगी -f, और ये -0.522, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी 0.522f, ठीक है। सिमिलरली थर्ड के लिए निकालूंगा, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है 1 है, तो डेल्टा जी नॉट 3 मैंने निकाल दिया -nf(e0.3), और इसके लिए मैंने लिख दिया -1f(e0.3). और अब हम जानते हैं इन दो रिएक्शन को, इसको और इसको ऐड करके ये वाली रिएक्शन बन रही है, तो मतलब डेल्टा जी नॉट एडिटिव भी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। डेल्टा जी नॉट 3 कैसे आएगा, डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा जी नॉट 3 की वैल्यू ये है, डेल्टा जी नॉट 1 की वैल्यू ये है, और डेल्टा जी नॉट 2 की वैल्यू ये है आपके पास। इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इनमें से क्या करते हैं एफ को कॉमन ले लेते हैं, फैराडेज कांस्टेंट को, तो यहाँ से एफ कट गया, तो ई नॉट 3 कितना आ गया -0.158, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दो, तो ई नॉट 3 कितना आ जाएगा आपका 0.158 वोल्ट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 0.158 वोल्ट, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पूरा समझाया मैंने, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया, वरना क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो हम आपका डाउट भी क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।